मौलाना हसरत मुहानी को भारत के इतिहास में एक महान स्वतंत्रता सेनानी, उत्कृष्ट कवि एवं पत्रकार के रूप में वर्णित किया जाता है। कम्युनिस्ट इतिहासकार हसरत मुहानी को एक सच्चा भारतीय और धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि उसने न केवल इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया एवं भारत के विभाजन का विरोध किया था, बल्कि अनेकों बार मक्का की यात्रा करने के साथ साथ मथुरा की भी यात्रा की और भगवान श्री कृष्ण के लिए अनेक कविताओं की रचना भी की थी। लेकिन क्या ये सभी तथ्य पूर्ण एवं सत्य हैं, या कुछ तथ्यों को छिपाकर एवं तोड़ मरोड़कर हसरत मुहानी की मनगढ़ंत छवि लोगों के सामने प्रस्तुत की गई है? हसरत मुहानी से जुड़े कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आइए उसके जीवन से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक दृष्टि डालते हैं। हसरत मुहानी 14 अक्टूबर 1875 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत में उन्नाव में पैदा हुआ था तथा इसका वास्तविक नाम सैयद फजलुल हसन था। मुहानी के पूर्वज ईरान से भारत आए थे। हसरत मुहानी ने अपनी बीए की पढ़ाई सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करने वाले सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से की थी। 1920 में इसी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को एएमयू अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसने आगे चलकर भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जौहर जैसे घोर कट्टर मुसलमान हसरत मुहानी के साथी थे। 1921 में केरल के मालाबार में भयंकर हिंदू नरसंहार हुआ था, जिसमें मुसलमानों ने इस क्षेत्र को शरिया क्षेत्र घोषित कर हजारों की संख्या में हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। हिंदू घरों और व्यवसायों को आग के हवाले कर दिया गया था। हिंदू महिलाओं के अपहरण और बलात्कार हो रहे थे। हिंदुओं के शवों से मालाबार की सड़कें और कुएं भर गए थे। मालाबार के हिंदुओं के इस भीषण हत्याकांड पर जब कांग्रेस सभा में केवल एक निंदा प्रस्ताव रखा गया था, तो तथाकथित राष्ट्रवादी मुसलमान नेता खुलकर पूरी आक्रामकता के साथ अपने मजहबी रंग में आ गए थे और इसका विरोध किया था। इन मुसलमान नेताओं में हसरत मुहानी प्रमुख था। हसरत मुहानी का एकमात्र लक्ष्य इस्लामी उद्देश्यों की पूर्ति करना था। इसके लिए उसने सारी रणनीतियां अपनाई। जब तक इस्लामी हित साधने के लिए कांग्रेस अच्छा माध्यम रहा, तो ये कांग्रेस का सदस्य बना रहा। जब इसे लगा कि इस्लामी हित मुस्लिम लीग से सधेंगे, तो ये लीग में शामिल हो गया और इसका अध्यक्ष भी बना। इतना ही नहीं, हसरत मुहानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी संस्थापक सदस्य था। मुहानी को इस्लाम के अलतकिया में महारत हासिल थी, जहां एक ओर ये कांग्रेसी नेताओं के सामने भारत के विभाजन का विरोध करता था, वहीं दूसरी ओर ये भारत को तोड़कर इस्लामिक पाकिस्तान बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा था। मुहानी मुस्लिम लीग का सक्रिय सदस्य था और इसके टिकट पर संयुक्त प्रांत से संविधान सभा में चुना गया था। पाकिस्तान की मांग पर हुए 1945-46 चुनाव के दौरान हसरत मुहानी संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग का स्टार प्रचारक था और मुसलमानों के बीच में लीग के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रहा था। ये कहता था कि पाकिस्तान भारत में रहने वाले मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे ही 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा हुई, इसने अपनी रणनीति के अनुसार मुस्लिम लीग की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया तथा विभाजन के बाद पाकिस्तान न जाकर अपने इस्लामिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए हजारों लीग के नेताओं की तरह भारत में ही रुक गया। जहां मुसलमानों ने भारत को तोड़कर अपने लिए इस्लामिक राज्य स्थापित कर लिया, वहीं हिंदू नेताओं ने शेष भारत को न केवल धर्मनिरपेक्ष रखा, बल्कि इसमें मुसलमानों को हिंदुओं से भी अधिक महत्व दिया। इसी तरह कट्टर इस्लामिस्ट मुहानी, जिसने भारत को तोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, वो शेष भारत का संविधान सभा का सदस्य भी बन गया। संविधान में अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को अनेक विशेषाधिकार दिए गए थे। बावजूद इसके हसरत मुहानी ने संविधान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था और कहा था, आप लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुसलमान अनाथ है,
मैं हर तरीके से मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करूंगा और उनके लिए अपनी मौत तक से लड़ूंगा। अपनी गलतियां सुधारने के स्थान पर सेक्युलर भारतीय राज्य ने मोहानी को महान देशभक्त घोषित कर दिया, जो विभाजन के बाद भी पाकिस्तान नहीं गया। इसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। भारत सरकार द्वारा संचालित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसके नाम पर हॉस्टल बना हुआ है। अच्छे देशभक्त मुसलमान का प्रोपेगेंडा बेचने के लिए देश भर में अनेक सड़कें, अस्पताल और म्यूजियम इसके नाम पे बनाए गए हैं। इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के लिए शुरू किए गए खिलाफत आंदोलन को 100 वर्ष हो गए हैं। इस दौरान जहां मुसलमानों ने भारत को विभाजित कर सफलतापूर्वक पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम से इस्लामिक राज्य स्थापित कर लिए हैं, वहीं शेष भारत के नेता अभी भी हिंदू समाज को धर्मनिरपेक्षता का नशा बेच रहे हैं, जिसे अपना भविष्य दांव पर लगाकर हिंदू खरीद भी रहे हैं। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या है? जुड़े हुए हैं। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। हिंदुओं के लिए समय है कि नशे से निकलकर वास्तविकता से परिचय करें, अन्यथा भविष्य अंधकार से भरा है।